नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं आस्था हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के 100 कनिष्ठ सहायकों और प्राविधिक शिक्षा विभाग के 140 कनिष्ठ सहायकों कंप्यूटर ऑपरेटरों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र दिए हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश में पारदर्शिता के साथ नौकरी मिल रही है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। पहले नियुक्ति में सालों साल लग जाते थे, आज मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है। वाराणसी में निर्माणाधीन देश के पहले और दुनिया के तीसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे के लिए केबल कार स्विट्जरलैंड से मंगवाई गई है। कार खास मटेरियल से बनी है जो अल्ट्रा वायलेट रेंज यानी यूवी प्रोटेक्टेड है। इससे यात्री सुरक्षित रहेंगे, सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होगी, यात्रियों को गर्मी नहीं लगेगी। बता दें कि वाराणसी में रोपवे का निर्माण तेजी से चल रहा है। पहले चरण का काम मार्च 2025 तक पूरा किया जाना है। श्रीलंका की 78% सिंगली जाति और 11% तमिलों में मराठियों का जीन है। श्रीलंका के पहले राजा प्रिंस विजय मराठा साम्राज्य के थे। वह 2500 साल पहले श्रीलंका गए, फिर कभी भारत नहीं लौटे। ये तथ्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ के बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट और कोलंबो विश्वविद्यालय के संयुक्त शोध में सामने आए हैं। शोध के अनुसार श्रीलंका की 89% आबादी में मराठियों का डीएनए है। वहीं शोध को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल साइंस में प्रकाशित किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को आज अगले 3 साल के लिए नई कुलपति मिल गई हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग की अध्यक्ष व डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर पूनम टंडन ने नए कुलपति के तौर पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि 24 अगस्त को उन्हें राजभवन द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय का नया कुलपति घोषित किया गया था। कार्यभार ग्रहण करने के दिन से वह 4 सितंबर 2026 तक इस पद पर अपने दायित्व को निर्वहन करेंगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के बारे में अब छात्र पढ़ाई करेंगे। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काशी स्टडीज कोर्स को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। काशी स्टडीज को पीजी पाठ्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति आत्मीयता देखते हुए बीएचयू प्रशासन की ओर से कोर्स को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। माना जा रहा है कि काशी स्टडीज कोर्स को अगले सत्र से पीजी स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसमें इच्छुक छात्र एडमिशन ले सकेंगे। कभी अंग्रेजों के जरिए यूरोपीय देशों से बंदूक भारत आई थी, अब वही भारत यूरोपीय देशों को उन्नत हथियार निर्यात करेगा और ये कंपनी एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के कारण संभव हुआ है। कंपनी में बनने वाले मध्यम हथियार जैसे मैक गन, क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन, लाइट मशीन गन सहित अन्य हथियार यूरोपीय और एशियाई देशों में काफी पसंद किए जा रहे हैं। इन हथियारों की मांग भी विदेशों से आने लगी है। बता दें कि कंपनी को अभी तक 480 करोड़ रुपए के निर्यात ऑर्डर मिल चुके हैं। ताजमहल और चंबल सफारी आने वाले पर्यटकों को हेरिटेज विलेज होलीपुरा की हवेलियां अचरज में डाल देती हैं। वहीं बटेश्वर के शिव मंदिर श्रृंखला का इतिहास और भूगोल रोमांचित कर देता है। यही वजह है कि बटेश्वर के मंदिरों के साथ होलीपुरा और कमतरी की हवेलियां इको टूरिज्म के हब के रूप में विकसित हो रही हैं। 35 लाख रुपए की लागत से नंदगवा में विकसित हुए इंटरप्रिटेशन सेंटर के बाद इको टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। सूर्य के अध्ययन के लिए आकाश में आदित्य L1 के जरिए स्थापित की जा रही प्रयोगशाला से 125 दिनों बाद तस्वीरें मिलने लगेंगी। आदित्य L1 हर मिनट में एक तस्वीर भेजेगा। 24 घंटे में 1430 से 1440 तस्वीरें मिलेंगी। विश्लेषण के लिए इन तस्वीरों को देश भर के उन विश्वविद्यालयों में भेजा जाएगा जहां सूर्य पर अध्ययन हो रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी इन तस्वीरों का अध्ययन करेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वर्ष 1927 से इस दिशा में काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से स्टेनोग्राफर के 277 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। फॉर्म भरने की शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 6 नवंबर 2023 है। वहीं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से स्टाफ नर्स के 2240 पदों पर भर्ती निकाली गई है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 21 सितंबर 2023 है। रेलवे स्टेशन पर या ट्रेन में सफर करते समय धूम्रपान करते हुए पाए जाने पर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, आरपीएफ की ओर से मुकदमा दर्ज कर जेल भी भेजा जा सकता है। रेल यात्रियों को अब ट्रेन में धूम्रपान करना भारी पड़ सकता है। दरअसल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों द्वारा प्रतिबंधित गैस सिलेंडर और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने से आग लगने की हो रही घटनाओं पर अंकुश पाने को रेलवे ने यात्रियों को जागरूक करने के लिए रेलवे कर्मियों एवं आरपीएफ को अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।